केदारनाथ पहुंच चुका हूं, अभी केदारनाथ के लाइन में हूं। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के 4 बज चुके हैं, तो हम लोग अभी निकले गौरीकुंड के लिए। उधर जाके फ्रेश होना है, नहाना भी ना है, क्योंकि वहाँ पर जमीन से जो गर्म पानी निकलती है वो आपको दिखाऊंगा कैसा क्या है। नहीं है अभी 7 बजे तो पीछे सब बैठे महादेव। आप जो ये लाइन देख रहे हो ये रजिस्ट्रेशन लाइन है। जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो व्हाट्सएप पे QR कोड रहता है, यहाँ पे स्कैन करके आप आगे जाते हो। तो हम लोग को तो अब हो गया एक, कितना, 1 किलोमीटर है पूरा लाइन, 1 घंटा हो गया लाइन में रुके, 1 घंटा हुआ हम लोग लाइन में रुके अभी तक लाइन खत्म हुआ नहीं, अभी और आधा किलोमीटर चल रहा है। क्योंकि जो गौरीकुंड के यहाँ पर जाने के लिए टैक्सी मिलता है वो 1 किलोमीटर लाइन लगता है, उसके बाद हमें मिलेगा। तो इधर से फ्रेशिश होके गौरीकुंड से तो हम लोग को शायद 7 से 8 बजे जाएगा, है ना, 7 बजे जाएगा। चलिए अभी देख सकते हो लाइन बहुत पीछे है, चलिए बने रहिए आगे का देखते हैं क्या है क्या नहीं, सब बताते हैं। चलते रहो और जागते रहो। महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। तो हम लोग अभी टैक्सी से उतरे, तो देख सकते हो हमारे पीछे अलकनंदा का मठ नदी। अभी चलते हैं, अभी इंदर भी आगे गए, अभी जाते हैं गौरीकुंड। बहुत ठंडी है, टेम्परेचर ज़्यादा है भाई। गरम पानी जो नीचे से आता है देख सकते हो, 50 डिग्री टेम्परेचर है इसका। नहा रहे लोग, हर महादेव। अभी हम लोग भी नहाने जा रहे हैं, ये लोग नहा लिए मस्त गरम पानी में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। को घोड़े चाहिए, घोड़े पे जाना है तो वो नीचे से मत पकड़ना सोनप्रा से, क्योंकि ऊपर आओगे 1 किलोमीटर चढ़ के तो आपको 1500-2000 के रेंज में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अभी हम 15.5 किलोमीटर बाकी हम लोग का चढ़ना। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी धूप निकल चुकी है और अभी बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही है, और अच्छा लग रहा है कि नहीं, काफ़ी समय के बाद धूप हमें दिखी यहाँ पर। दीपक भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हमको यहाँ से पूरा बर्फ दिख रहा है ऊपर, लेकिन आपको दिखेगा नहीं कैमरे में। नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाएंगे आपको बर्फीला पर्वत, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। देखा ही होगा बर्फ की दुनिया, दिखाया आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। अभी तो और बाकी है, अभी और ऊपर बहुत अच्छे अच्छे रहेंगे, अच्छे अच्छे व्यूज भी मिलेंगे, वो सब दिखाऊंगा। मैंने शॉर्ट्स भी कवर किया है बहुत सारे। तो गाइस हम लोग मैगी खाने बैठे, मसाला मैगी बहुत अच्छा है,
टेस्ट किया, अच्छा लगा। 50 रुपीज़ का पर इतना ऐसा एक प्लेट है, लेकिन सही है। 15 का लोगों को मैगी पड़ता है, गैस सोखे सब 50 हो ही जाता है। अच्छा तो हम लोग अभी 20% चल रहे हैं, 80% बाकी है। अभी हम लोग झरने के यहाँ पे पहुँच गए फाइनली। ये देखिए दीपक भाई बेहुल, और वो यहाँ पे योगेश थक गया है, बहुत पसीना पसीना हो गया। चलो ठीक है, थोड़ा इन्जॉय। सबका हालत खराब हो चुका है इतने में। अभी हम लोग को 13.5 किलोमीटर और चढ़ना है, और चढ़ना है। अभी तो 2.5 किलोमीटर ही हुआ है अभी तक, तो देखते हैं बीच बीच में क्या क्या देखने मिलता है, सब आपको दिखाएंगे। इंदर किस पे बैठने का, तो घोड़े पे या गधे पे? अपने को पैर दिया है भगवान ने, पैर दिया है, चल के जाएगी और ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ। नहीं तू गधे पे बैठ जा, गधे पे बैठने का काम तेरे ऐसे गधे का है। इंदर का क्या बात है, क्या बात है, हंसो हंसो, क्या मस्त जोक मारा। तो मेरा तो हो गया हालत खराब पूरा, अब नहीं है शक्ति मेरे में ऊपर चढ़ने की। मेहुल भाई से पूछते हैं कैसा लग रहा है। ट्राई करेंगे चढ़ने वाला, चढ़ेंगे। सासे हो रहा है सच, चलो उसके लिए कपूर लेके घूम रहे। स्मेल लेते हैं, गर्मी थी बट अभी क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, तो धीरे धीरे ठंडी भी बढ़ रही है। हाँ क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है। अभी देखो अभी तो बहुत ही 4-5 घंटा और यार मेरे को हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, हेलीकॉप्टर आने के लिए मिला तो ट्राई करेंगे, वरना कोई बात नहीं चल के आ जाएंगे। अभी ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं, 2 किलोमीटर बाकी है, 2 किलोमीटर लास्ट, और हालत पूरी टाइट हो गई है। मैं उनको देखो पूरा थक गया है, सबसे ज्यादा वही थका है। और देखो ये दोनों को देखो पूरा हालत बहुत ज़्यादा। आपका कह रहे हो योगेश भाई, आप बताइए क्या हुआ है। एक्चुअल में अभी तक का सबसे ज़्यादा मेमोरेबल डे है मेरे लाइफ में, क्योंकि इतना लाइफ में मैंने कभी सोचा नहीं कि चलूँगा, कभी नहीं चला, मैं भी नहीं चला। केदारनाथ भगवान बुला रहे हैं, जाना पड़ेगा ना अपने को, और उनकी बदौलत है कि आज इतनी एनर्जेटिक होकर भी आज चल पा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट, लेकिन आना चाहिए ऐसे। ट्रैकिंग भी हो गया एक तरह से, और दर्शन भी हो गया हमारा, बहुत बढ़िया मजा आ गया। अभी तो नेक्स्ट टाइम तो नहीं आना है, आएंगे तो हेलीकॉप्टर से आएंगे। माफ करना चल के तो, माफ करना प्रभु, नहीं मैं तो चल के आएगा, बहुत मजा आया, भले ही थक गए हो लेकिन मजा बहुत आया। बैग मत लो, बैग हम लोग थोड़ा वजन ज्यादा हो गया हमारे, काजू वगैरह ले लो, और बाकी यहाँ पर आपको मैगी वगैरह पराठा वगैरह आपको मिल जाएगा। हर जगह पे आपको फ्रेंची और सर्विस यहाँ पर अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो अभी हम चल के आ रहे, ऑलमोस्ट 80% तो ख़त्म हो चुका है, और हमारे साथ है एक अंकल मिले हमको रास्ते में, जो कि पूरा ट्रैक चल के कंप्लीट किया है। और बाकी लोग आप देख सकते हो जो जवान है घोड़े पे जा रहे। अंकल आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 9 साल हो गई जी, 49 है, मतलब 50 में एक कम है, 50 में एक महीना कम है, एक महीना कम है। हाँ बस बाकी हो। तो आप सब एक ध्यान रखो कि केदारनाथ आ रहे हो तो घोड़े वोड़े से सवारी पर मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे घोड़े जो गिर जा रहे हैं अचानक में, तो उनको तकलीफ मत दो, अपने खुशी के लिए उनको दुख मत दो। यहाँ पे बहुत सारे घोड़े इंजर्ड हो गए हैं, इतना लग गया उन लोगों को वो बहुत सारे, तो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए। सुना आप लोग ने, तो आप पर आप सब आ रहे हो तो हेलीकॉप्टर बुक कर लीजिए अगर नहीं चढ़ने होता है, बट घोड़े से सवारी मत कीजिए। तो केदारनाथ सिर्फ सामने ही है हमारे, 500 मीटर की दूरी पे हम लोग है अभी जा रहे हैं।
हाँ भाई 500 मीटर तक प्रीमियम पड़ गया। चलिए अभी मस्त मंदिर का व्यूज लेते हैं। तो हम लोग ने जहाँ पे हेलीकॉप्टर जो होता है लैंड होता है वहीं पे हम लोग ने यहाँ से देखो सब बैठ के वहाँ पे जाते वहीं पे आते हम लोग उसे सामने ही जस्ट लिया है टेंट लिया है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं केदारनाथ मंदिर सामने ही हमारे 500 मीटर पे। तो चलिए अगर वहाँ का एकदम मस्त मस्त व्यूज लेते। ठंडी इतनी है कि क्या बोलूँ कुछ हाथ भी सब सुन हो चुका है। कैसा लग रहा है ठंडी में? क्लाइमेट पूरा चेंज हो चुका है अभी। क्लाइमेट पूरा चेंज है अब देखो रात भर कैसे गुजरेगा। चलिए बाबा की कृपा से सब होगा। हाँ भैया कैम बोलो। इधर से जाओ ना उधर से जाने पास में पहुंच चुका हूं मैं केदारनाथ मंदिर के।